आपने ऑलरेडी यूनिट वन में गुड्स क्या है, बॉन्ड्स क्या है, यूटिलिटी क्या है कवर कर चुके हैं। आज जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, वैल्यू क्या है। ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, चांसेस कम है, बट इंटरनल एग्जाम के लिए ये सब काम के है। ये तुम लर्न नहीं करोगे तो चलेगा, वैल्यू है, प्राइस है, लर्न नहीं करोगे तो चलेगा, अगर आएगा तो भी ऑप्शन में निकल जाएगा, बट एमसीक्यू के लिए आपको ये लर्न करना जरूरी है। तो आज अपने दो टॉपिक कवर करेंगे, वैल्यू एंड प्राइस। व्हाट इज मीन बाय वैल्यू इन इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ वैल्यू। अलग अलग प्रकार के वैल्यू देखने, तो देखते हैं। द टर्म वैल्यू इज फ्रीक्वेंटली यूज इन इकोनॉमिक्स इन ऑर्डिनरी सेंस, यानी सामान्य भाषा में द वैल्यू मीन्स वैल्यू इन यूज। अपनी लैंग्वेज में क्या होता है, जिसकी यूजफुलनेस ज्यादा होती है उसको अपने वैल्यू बोलते हैं। समझ में, यूजफुलनेस का मतलब जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जैसे मेरे लिए मोबाइल की वैल्यू ज्यादा है, मेरे लिए घड़ियाल की वैल्यू ज्यादा है, मेरे लिए कपड़ों की वैल्यू ज्यादा है। तो इसका मतलब जिसका इस्तेमाल अच्छा होता है, ज्यादा होता है, उसको हम वैल्यू बोलते हैं। तो वही बताइए, इन ऑर्डिनरी सेंस वैल्यू मीन्स वैल्यू इन यूज। फॉर एग्जाम्पल, पीपल से दैट एजुकेशन इज ग्रेट वैल्यू, और फ्रेश एयर, एयर मीन्स हवा, इज वेरी वैल्यूएबल। इट्स सो वैल्यू इन यूज ऑफ अ कमोडिटी, बट इन इकोनॉमिक्स, ये अपनी लैंग्वेज में हुआ कि जिसका महत्व ज्यादा उसको हम वैल्यू बोलते हैं। मगर इकोनॉमिक्स में वैल्यू का मतलब क्या होता है, इन इकोनॉमिक सेंस द वैल्यू मीन्स वैल्यू इन एक्सचेंज। मगर इकोनॉमिक्स में वैल्यू का मतलब क्या होता है, जिसकी कुछ एक्सचेंज में वैल्यू हो, कीमत हो, वर्थ, फेर बदल। एक्सचेंज मीन्स फेर बदल। देखो, देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन पढ़ा, अगेन रिपीट करता हूँ। इन अवर सिंपल लैंग्वेज, वैल्यू मीन्स जिसकी यूजफुलनेस ज्यादा हो। अगर इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, यूजफुलनेस के ऊपर नहीं होता। इकोनॉमिक्स बोलता है वैल्यू डिपेंड करती है आपकी एक्सचेंज वैल्यू से, डिपेंड करती है आपकी एक्सचेंज वैल्यू से, यानी वो चीज को लाने के बदले में आपको क्या देना पड़ता है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है, एक्सचेंज वैल्यू इज द पावर ऑफ कमोडिटी टू गेट अदर थिंग इन एक्सचेंज फॉर इटसेल्फ। यानी एक वस्तु देके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा या क्या लेना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि मैं मार्केट में जाके बोलूंगा कि भाई मुझे एक पेप्सी की बोतल दो, तो पेप्सी की बोतल यानी 300 ml पेप्सी लेने के लिए मुझे 30 रुपये या 40 रुपये देने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज, यानी तुमने कुछ लिया तो उसके एक्सचेंज में क्या दिया। समझ में आया, उसको बोलते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज, अपनी लैंग्वेज में एक्सचेंज वैल्यू। सो द वैल्यू इन एक्सचेंज मीन्स परचेजिंग पावर ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी। यहाँ पे ये लोग ने पैसों की बात नहीं की, यहाँ पे वस्तु की बात की है। बट अपने तो एक चीज लेके चलेंगे कि आज की इकोनॉमी में पैसा ही सब कुछ है, एवरी थिंग इज अवेलेबल एंड मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, हर चीज पैसों में मूल्यांकन होती है। तो वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि अगर आप पैसा देते हो तो उसके बदले में कितनी कमोडिटी लेते हो। जैसे नीचे अपने एक एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है। वी कैन नॉट गेट एनी थिंग इन एक्सचेंज ऑफ एयर, सो इट इज नॉट एक्सचेंज वैल्यू। यानी जो अपने हवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सूरज की किरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कॉमन है, उसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। सूरज की किरण लेने के लिए, बाहर ताजी हवा लेने के लिए आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है, तो इसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। तो जो लिखा हुआ है, सो एयर हैज नो एक्सचेंज वैल्यू, या तो एयर हैज नो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बट इन एक्सचेंज ऑफ वन टेबल वी गेट टू चेयर। सो एक्सचेंज ऑफ वन टेबल इज टू चेयर। देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो इसको बोलते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज। यानी इकोनॉमिक में ये वाले एग्जाम्पल को मेजर किया जाता है कि एक वस्तु दी उसके बदले में आपको क्या मिला। क्लियर, कुछ देने या लेने के बदले में कुछ मिलता नहीं है तो उसको वैल्यू इन एक्सचेंज बोला जाएगा नहीं। क्लियर, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एट्रीब्यूट, लक्षण, कुछ भी तुम बोल सकते हो। समझ में आया, देर आर थ्री एट्रीब्यूट्स ऑफ वैल्यू। देखो ऑलरेडी मैंने अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, जिसके पास पैम्पलेट आ चुके हैं वो लोग अंडरलाइन कर दो, क्योंकि एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में आ सकता है कि
कि भाई वैल्यू के कितने एट्रीब्यूट है, तो वैल्यू के तीन एट्रीब्यूट है। तीन एट्रीब्यूट का मतलब तीन साधन है जो नक्की करते हैं कि भाई वो चीज वैल्यू है के नहीं है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस एट्रीब्यूट आर यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है, ऑलरेडी अपने ऊपर पढ़ चुके हैं, जिसको पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना है, या तो यूटिलिटी मीन्स एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट एंड ह्यूमन इज रेडी टू पे फॉर इट, कंपेंसेट फॉर इट, यानी इंसान उसको चुकाने के लिए रेडी होता है। नंबर टू स्केयरसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय स्केयरसिटी? स्केयरसिटी का मतलब अछत। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि जो पानी आपके घर में नल के जरिए आता है, तो आपको पता होगा आप जो वेरा भरते हो तो उसमें लिखेला होता है वाटर टैक्स, वो लिमिटेड होता है, एक घंटे ही पानी आता है ना अपने वहां गवर्नमेंट का, तो पानी लिमिटेड है तो उसके लिए उसकी वैल्यू है। मगर बरसात के अंदर पड़ रहा है, डोला भर लो, गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट करना है आपको या किसी और को कुछ पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी? नो। तो जो बारिश का पानी है वो स्केयर नहीं है, कटोकटी नहीं है उसकी, तो उसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, तो स्केयर मीन्स कटोकटी। एंड नंबर थ्री ट्रांसफरेबिलिटी, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान पे ट्रांसफर होना। इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट वेदर अ गुड हैज एक्सचेंज वैल्यू और नॉट, आस्क योर सेल्फ दिस थ्री क्वेश्चन। सीधा बताया गया कि वो चीज की एक्सचेंज वैल्यू है कि नहीं है, ये पहचानना हो तो आपको तीन सवाल करने, कौन से जो ऊपर बताए, क्या उसकी यूटिलिटी है, क्या वो स्केयर लिमिटेड है, ने क्या वो ट्रांसफरेबल है कि नहीं। अगर ये तीनों तीन लक्षण होते हैं वो पर्टिकुलर चीज में, तो उसको अपने वैल्यू इन एक्सचेंज बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर? आगे बढ़े, समझ में आया ना? हाँ, फिर बोलना मत सर तुम फांस जा रहे हो या एग्जांपल कम दे रहे हो, ना समझ पड़े तो आप पूछ सकते हो। तो देखते यूटिलिटी, टेस्ट वन, यानी टेस्ट वन एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए लिखा है, आपके सिर्फ हेडिंग मानना है यूटिलिटी। टू हैव एक्सचेंज वैल्यू अ गुड्स मस्ट हैव यूटिलिटी, बिकॉज इफ इट हैज नो यूटिलिटी नो बडी विल रेडी टू पे फॉर इट। अगर उसकी कोई कीमत नहीं होगी, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं होगी, वो आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो क्या आप उसके लिए पेमेंट करोगे? ऑब्वियसली बात है, मैं तो नहीं करूंगा। जैसे एग्जांपल घर रहने के लिए होता है ना, तो घर खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता है ना, समझ में आया? बिल्डिंग, कपड़े, ये सब क्या है? यूटिलिटी है भाई। ये चीज को आपको खरीदना हो या ये चीज को आपको लेना हो तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट पूरा हुआ, यूटिलिटी, टेस्ट नंबर वन सक्सेसफुल हुआ कि भाई यूटिलिटी मीन्स वो चीज को अचीव करने, जो वो चीज जो आपको सेटिस्फाई करे और जिसके लिए आप पेमेंट करने के लिए रेडी। नंबर टू स्केयरसिटी। स्केयरसिटी का मतलब अछत, लिमिटेड, लिमिटेड वर्जन, लिमिटेड स्टॉक। देखते टू हैव एक्सचेंज वैल्यू ओनली यूटिलिटी इज नॉट इनफ, गुड्स मस्ट बी स्केयर, यानी वो वस्तु लिमिटेड अछत में होनी चाहिए। स्केयरसिटी का मतलब क्या होता है? तो लिखा हुआ है स्केयरसिटी मीन्स इट्स डिमांड इज हायर देन इट्स सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल इफ गुड हैज यूटिलिटी बट नॉट स्केयर, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि बरसात का पानी आपको सेटिस्फाई तो कर देगा मगर वो लिमिटेड नहीं है, अछत में नहीं है। बराबर, दरिया किनारे जाओ, रेती अनलिमिटेड है, बहुत सब पड़ी है, बराबर, तो उसको यूटिलिटी तो है, वो सेटिस्फाई करेगी मगर वो स्केयर नहीं है, उसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं। सर एग्जाम्पल दो, जैसे हवा, पानी, सूरज की किरण, ये सब क्या है? अछत में नहीं है, तुमको सेटिस्फाई तो करती है, यानी पहला पॉइंट तो पूरा करती है मगर दूसरे पॉइंट में अटक जाती है, सो इसको यूटिलिटी बोला जाएगा नहीं। सो टू हैव एक्सचेंज वैल्यू अ गुड्स मस्ट हैव यूटिलिटी एंड स्केयरसिटी। एंड नंबर थ्री ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह या एक इंसान से दूसरे इंसान के नाम पे ट्रांसफर करना, जिसको तुम मार्केट में जाके बेच सको, समझ में आया? मार्केट में जैसे दाखला तरीके, मेरी कपड़े की दुकान है तो आप खरीदी करने आए, तो जैसे ही आपने दो जोड़ी परचेस किए कपड़े, तो ऑटोमेटिकली वो कपड़े के मालिक कौन हो गए? आप हो गए, यानी सीधा के सीधा आपके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। देखो अ गुड्स मस्ट बी ट्रांसफरेबल और मार्केटेबल
If it is not transferable, it cannot have exchange value. So in simple word, अपनी भाषा में, in absence of any of this quality, यानी ये तीनों में से अगर एक भी चीज तुम्हारी वो वस्तु में अवेलेबल नहीं है, कौन सी यूटिलिटी, नंबर टू स्केर्सिटी, नंबर थ्री ट्रांसफरेबिलिटी, तीनों में से अगर एक भी चीज मिसिंग है तो उसको वैल्यू इन एक्सचेंज इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में नहीं बोला जाएगा. क्लियर? अब देखते हैं प्राइस. अब कितने लोग बोलते ना कि वैल्यू और प्राइस एक है, वैल्यू और प्राइस एक है. भाई मैं बोलता हूँ वैल्यू भी अलग है, प्राइस भी अलग है. कैसे? तो समझते, ये लर्न नहीं करना है. दो स्टेटमेंट से हम समझते, मगर आपको इसको लर्न नहीं करना है. जैसे कहावत देखो, ये एमसीक्यू में आ सकता है, वैल्यू एंड प्राइस आर सेम, ट्रू और फॉल्स, एमसीक्यू में आ सकता है. ऑब्वियसली गलत है. कैसे गलत है? तो मैं प्रूफ करता हूँ. प्राइस का मतलब क्या होता है कि व्हेन वैल्यू इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी इट इज कॉल्ड प्राइस. जैसे दाखला तरीके एक जोड़ी टी शर्ट लेना हो तो आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे. यानी जब तुम वैल्यू को पैसों में मेजर करते हो, जब तुम वैल्यू को वस्तु को गुड्स को पैसों में मेजर करते हो तो उसको प्राइस बोला जाएगा. देखो यहाँ दो एग्जाम्पल पढ़ते तो आपको खबर पड़ जाएगा कि वैल्यू और प्राइस अलग अलग कैसे है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी गेट टू चेयर इन एक्सचेंज ऑफ वन टेबल, एक टेबल देके मैंने दो चेयर ली, यहाँ पर पैसों की बात कहाँ हुई? सीधी सी बात है ना भाई, मैंने बोला मेरा, मैं आपको मोबाइल देता हूँ, स्मार्टफोन देता हूँ, उसके सामने आप मुझे नॉन स्मार्टफोन दे दो, दो फोन नॉन स्मार्ट दे दो, कीपैड वाले दे दो, तो यहाँ पर पैसों की बात नहीं हुई. तो कहां से बोल सकते कि वैल्यू और प्राइस सेम है? समझ में आया? देखो नीचे पढ़ता हूँ. बट इफ वी गेट 200 रुपीज इन एक्सचेंज ऑफ वन टेबल, मैंने एक टेबल आपको दिया, उसके बदले में आपके पास से 200 रुपए लिए, तो ये चीज को बोला जाएगा प्राइस. समझ में आया बेटा? आगे बढ़े और एक स्टेटमेंट देखते हैं. देयर कैन बी राइज यानि बढ़ना और फॉल यानी घटना इन प्राइस, बट देयर कैन नॉट बी जनरल राइज और जनरल फॉल इन वैल्यू ऑफ कमोडिटी. इसका मतलब क्या होता है कि भाई कीमत बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, मगर वैल्यू बढ़ सकती घट सकती नहीं है. कैसे? प्रूफ करता हूं. ड्यूरिंग इन्फ्लेशन जब फुगावा आता है, बराबर है, जब मार्केट में फुगाव आता है तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, जब मंदी आती है तो हर चीज की कीमत घट जाती है. बट द टर्म वैल्यू इज रिलेटिव. रिलेटिव का मतलब क्या होता है? उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. क्लियर? ये तुमको सिर्फ पढ़ना है, लर्न नहीं करना है. पढ़ना है मगर लर्न नहीं करना है. अब हम जाते हैं वेल्थ. सर वेल्थ होने के बाद तापड़ा जेवा साधारण मानस नी भाषा में वेल्थ एटले मिलकत, परंतु इकोनॉमिक्स वेल्थ नी व्याख्या कई बीजी रीते आपे छे. जो ये आपड़े कि इकोनॉमिक्स आपने वेल्थ माटे सु कहे छे, तो एनीथिंग शब्दों पर ध्यान आप जो बका बद्दा ने कहो छो, एनीथिंग विच हैज वैल्यू इज कॉल्ड वेल्थ इन इकोनॉमिक्स. कई पण वस्तु होय जेनी वैल्यू होय एने आपणे इकोनॉमिक्स में वेल्थ कहीए. इन इकोनॉमिक वेल्थ इज सिनोनिम. व्हाट डू यू मीन बाय सिनोनिम? सिनोनिम एटले समानार्थी. शू कहेवाय? समानार्थी कहेवाय. With economic goods. આપણે વાંચેલું છે આગળના પ્રશ્નમાં, ના વાંચ્યું તો મારી પાછળની વિડીયો જોઈ લેજો ગુડ્સ વાળી. એમાં પહેલા જ પ્રકારનું ગુડ્સ હતું, ઇકોનોમિક ગુડ્સ અને ફ્રી ગુડ્સ. ઇકોનોમિક ગુડ્સ એટલે એ વસ્તુ, એ માલ, એ ચીજ જેને ખરીદવા માટે આપણને કઈ ના કઈ બદલામાં વળતરના રૂપે પૈસા આપવા પડે, એને કહેવાય ઇકોનોમિક ગુડ્સ. તો વેલ્થ એટલે શું? તો ઇકોનોમિક શું કહે છે કે કોઈ પણ વસ્તુ જેની વેલ્યુ હોય અથવા જેનું આર્થિક મૂલ્યાંકન કરી શકાય એ બધી વસ્તુને આપણે વેલ્થ કહીશું ઇકોનોમિક્સની
भाषामां। हवे वेल्थना लक्षण शुं छे, तो आपणे डेफिनेशनमां ज वांच्युं कि कई पण वस्तु जे वेल्यू छे, तो आपणे वेल्यूमां केटला लक्षण वांचेला बका ऊपर तण। यूटिलिटी होवी जोईए, नंबर टू कटोकटीमां होवुं जोईए, એન્ડ નંબર થ્રી જેને આપણે માર્કેટમાં ટ્રાન્સફર અથવા માર્કેટમાં વેચી શકીએ, ક્લિયર? એ જ વાંચવાનું, આ બધા કમ્પેરિઝન છે, આ વાંચવાનું નથી, આ તમારે સમજણ માટે છે, તમે વાંચી લો, લર્ન કરવાની કોઈ જરૂરત નથી, ગેરંટી આપું છું, આ નહીં પૂછાવે, કમ્પેરિઝન નહીં પૂછાવે, આ તમને સમજણ પડે, તમને ખબર પડે, કોઈ તમને સવાલ કરે તો તમારી પાસે જવાબ હોય કે હા ભાઈ આ બધું પ્રકારની પણ મિલકત કહેવાય છે ઇકોનોમિક્સ ની લેંગ્વેજમાં। પરંતુ પરીક્ષામાં કોઈ સવાલ આવી જાય કે રાઇટ અ શોર્ટ નોટ ઓન વેલ્થ, વેલ્થ ઉપર વ્યાખ્યા લખો અથવા ટૂંકનોન લખો, શોર્ટ નોટ લખો, આપણે સૌથી પહેલા વેલ્થ ની વ્યાખ્યા આપવાની, એના પછી કયા કયા પ્રકારના વેલ્થ છે એના બારામાં આપણે વર્ણન કરી દેવાનું, એક્સપ્લેનેશન દેના હે, ક્લિયર? અપ નાઉ આઈ વિલ ગો ઇન હિન્દી। ફર્સ્ટ વન ઇઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વેલ્થ, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નામથી જ ખબર પડતા હોય, નામ સે ખબર પડતી હોય, જે મિલકત વ્યક્તિની હોય, પોતાની હોય, પર્સનલ હોય, જેના ઉપર એના પોતાનું જ હક હોય, એને કહેવાય ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વેલ્થ। જેસે વેલ્થ ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્ક્લુડ હિઝ મટીરિયલ પ્રોપર્ટી લાઈક કેશ, રોકડ, જમીન, બિલ્ડિંગ, લાઈવ સ્ટોક, ફર્નિચર, સ્ટોક એન્ડ શેર। હવે કોઈનું સવાલ આવશે, સર લાઈવ સ્ટોક કોને કહેવાય? લાઈવ સ્ટોક એટલે ઘેટા બકરા, ગાય, બળદ, ઘોડો, જાનવર, જીવંત પ્રાણીને ઇકોનોમિક્સમાં લાઈવ સ્ટોક કહેવાય। ઇઝ નોન મટીરિયલ ગુડ્સ લાઈક ગુડવિલ, એની ઇજ્જત, પાગડી કહેવાય આપણે, જેની કઈ એક્સચેન્જ કિંમત હોય, તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વેલ્થ છે, બરાબર છે? વેલ્થ ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્ક્લુડ મની બોરોડ બાય હિમ વિચ હી હેઝ ટુ પે બેક, એન્ડ પર્સનલ ક્વોલિટી સચ એઝ સ્કિલ એન્ડ ઇન્ટેલિજન્સ। પોતાની મિલકત છે કે એના પાસે આવડત હશે તો પૈસા કમાવી લેશે, મિલકત ભેગી કરી લેશે। ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વેલ્થ મીન્સ જે પ્રોપર્ટી ઉસકી ખુદ કી પર્સનલ, ક્લિયર? પર્સનલ વેલ્થ, અબ દેખો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વેલ્થ ઓર પર્સનલ વેલ્થ માં ફરક હે। તો પર્સનલ વેલ્થ ક્યા હે, તો ઓલરેડી ભી મેને ટાઈપ્સ ઓફ ગુડ્સ માં પઢાયા હતા। પર્સનલ ક્વોલિટી જો ઇન્સાન કે અંદર હોતી, જેસે ઇન્સાન કા નોલેજ, इंसान की एफिशिएंसी यानी क्षमता, इंसान के इमोशन, ये सब पर्सनल वेल्थ बोला जाएगा। क्यों पर्सनल बोला जाएगा? कि इंसान के अंदर है, इंसान मर गया तो ये मिलकत खत्म हो जाती है, इसके लिए इसको इकोनॉमिक्स में वेल्थ नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? तो मैंने रीजन बताया कि भाई मैं वकील हूं, मैंने LLB किया हुआ है, तो मेरे डिग्री पे आप लोग या मेरी बेटी भी केस नहीं लड़ सकते। कंपल्सरी अगर कोई केस आता है तो मुझे ही काम करना पड़ेगा, मेरी बेटी को केस लड़ने कोर्ट में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि LLB की स्किल नॉलेज मेरे पास है, ये मेरे साथ ही रहेगी, मेरे मरूंगा तो ये चीज मेरे साथ चली जाएगी, बराबर। इसके लिए पर्सनल वेल्थ को इकोनॉमिक्स में वेल्थ नहीं बोला जाता। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर आती है सोशल वेल्थ। सोशल वेल्थ का मतलब जो समाज की है, जिस पे सबका अधिकार है। देखो मैं पढ़ता हूँ, इट इंक्लूड स्टेट एंड म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, पब्लिक बिल्डिंग, गार्डन, म्यूजियम, रेलवे स्टेशन, एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो नोन एज कलेक्टिव वेल्थ। MCQ में पूछ सकते हैं। कलेक्टिव वेल्थ का मतलब ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, समाज में रहने वाले हर इंसान को ये वेल्थ इस्तेमाल करने का अधिकार, क्लियर? नेक्स्ट वन इज नेशनल वेल्थ, राष्ट्रीय मिलकत। अब तुम बोलोगे सर राष्ट्र की मिलकत क्या है, राष्ट्र की मिलकत क्या है, तो गवर्नमेंट की जो मिलकत है वो राष्ट्र की मिलकत है। देखते हैं, इट इज यूज इन टू सेंस, दो तरीके से एक्सप्लेन करा है, नेरो सेंस यानी सामान्य लैंग्वेज में, छोटे टर्म में, एंड वाइड सेंस यानी डिटेल में। तो नेरो सेंस में क्या बोला, इट इंक्लूड वेल्थ ऑफ ऑल सिटीजन, हम सबकी मिलकत मिला दो, मेरी, तुम्हारी, तुम्हारी मम्मी की, तुम्हारे रिलेशन में, तुम्हारी सोसाइटी की, तुम्हारे दोस्तों की, तुम्हारी देश में जितने भी नागरिक है सबकी मिलकत मिला दो, तो ये नेशनल वेल्थ हो गई, राष्ट्रीय मिलकत हो गई ना। वो अपनी प्रॉपर्टी, इंडिया की प्रॉपर्टी, मैं तो बोलता हूँ आई एम इंडियन, हूँ देशभक्त छू भाई, तो
તમારો દેશ મારી પાસે કંઈ પણ માંગી શકે, હું કુરબાની આપવા રેડી છું. તમારી બધી મિલકત પર મારો દેશનો હક છે. ઇન વાઇડર સેન્સ ઇટ ઇન્ક્લુડ રિવર, નદી, માઉન્ટેન, પહાડ, સારો વાતાવરણ, સારી ગવર્નમેન્ટ. શબ્દો પર ધ્યાન આપજો, સારી ગવર્નમેન્ટ સમજમાં એ હોય તમારી નેશનલ વેલ્થ એટલે રાષ્ટ્રીય મિલકત. અવાતે કોસ્મોપોલિટિયન વેલ્થ યા તો ઇન્ટરનેશનલ વેલ્થ. ઇન્ટરનેશનલ વેલ્થ કા મતલબ જિસકે ઉપર કોઈ કબ્જા નહીં જમા સકતા, યે પૂરે દેશ કી વર્લ્ડ હૈ, પૂરી દુનિયા કી મિલકત હૈ. જૈસે દાખલા તરીકે જમીન ઇઝ અ ફ્રી ગિફ્ટ ઓફ નેચર, એ તો હમ લોગ ભી લેકે બેઠ ગઈ, ઇન્ડિયા કા, યે શ્રીલંકા કા, યે અમેરિકા કા, બટ સબ કુદરતી હમકો દેને. इसको बोलते हैं इंटरनेशनल वेल्थ. देखो एग्जांपल वही बने, रिवर, माउंटेन एंड नेचुरल रिसोर्सेस. नेगेटिव वेल्थ सबसे डेंजर, समझने जैसी बात है. नेगेटिव, अब तो बोलोगे सर मिलकत नेगेटिव कैसे होती है, मिलकत नेगेटिव कैसे होती है, तो लिखा हुआ है इट इंक्लूड डेब्ट. इसको डेब्ट पढ़ा जाता है, DEBT, एस नहीं पढ़ता, एस साइलेंट है, डेब्ट. डेब्ट मीन्स देवा, ओन्ड बाय इंडिविजुअल. भाई मेरा कुछ देवा है, या तो स्टेट का कोई देवा है, या हमारे सिटी का कोई देवा है. जैसे दाखला तरीके गुजरात गवर्नमेंट देवे में चल रही है, हर नागरिक पे कुछ कम से कम 54,000-58,000 का देवा है, हर नागरिक पे, हर गुजराती पे. क्योंकि अपने गुजरात गवर्नमेंट का जो मनी बैंक है वो लॉस में चल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर. इसको बोलेंगे स्टेट वेल्थ कौन सी हो गई, नेगेटिव वेल्थ. तुम्हारा भी कोई देवा है, इसको नेगेटिव वेल्थ बोलेंगे ना, कि तुम्हारी मिलकत से ही देना है, पर तुम्हारी मिलकत प्लस में नहीं चल रही, माइनस में चल रही, क्योंकि तुम्हारे पर किसी ना किसी की जवाबदारी है, किसी ना किसी को आपको भरपाई करनी पड़ेगी. क्लियर? यहाँ पे तुम्हारा आज का टॉपिक कंप्लीटली कवर होता है. फिर आगे बढ़ेंगे, मे बी जिसके बाकी है वो लोग प्लीज अपना मटेरियल कलेक्ट कर ले, समझ में आ रहा है, अपना इंस्टॉलमेंट जमा करा दे. आपके 4 सब्जेक्ट के मटेरियल कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी. मैंने सबसे आगे आप ही लोग चल रहे हो. स्टेटिस्टिक में 2 यूनिट अनओवर हो गए, SP में कवर हो गया, 1-2 क्वेश्चन बाकी है. जो मटेरियल ले गया उनके फोन आए थे, सर आपने 2 क्वेश्चन नहीं पढ़ा है. अगर मैं अभी बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन में नहीं पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब वो कैंसल नहीं है, वो थोड़े क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपका और मेरा फिजिकल मूवमेंट होना जरूरी है, आमने सामने होना जरूरी है, क्योंकि वहां पे ही आपको समझ में आएगा. ऑनलाइन में तो क्या आधे बच्चे काम की चीज सुनते हैं, फिर कंटाल आता तो बंद कर देते, मगर मेरे सामने होगा तो सबका कॉन्सेंट्रेशन होगा. SP में भी 1-2 क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा, जैसे रिक्विजिट फॉर सक्सेसफुल बिजनेस नहीं पढ़ा है, फेवरेट वन से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं पढ़ा है. देख रहा हूँ अगर मौका मिलता है तो अपने ले लेंगे ऑनलाइन में, वरना ऑफलाइन में मैं पूरा आपको बता दूंगा. अगेन आप लोग अपनी पढ़ाई करना चालू कर दो. जिसने मटेरियल नहीं लिया है वो जल्द से जल्द 1-2 दिन में आके अपना मटेरियल कलेक्ट कर ले, पेमेंट भी कर दे. क्लियर? चलो, अस्सलामुअलैकुम, दुआ में यार, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया.